सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, इसराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच हमले जारी। गाजा सिटी के हमास के शीर्ष कमांडर बसीम इस्सा सहित 65 लोगों की मौत। इसराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच संघर्ष और भी तेज हो गया है। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में 65 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार मारे गए 65 फिलिस्तीनियों में 16 बच्चे और 5 महिलाएं भी शामिल हैं। अल जजीरा के मुताबिक गाजा पट्टी पर इसराइल की ओर से बमबारी की जा रही है। हमले में 365 लोग घायल हैं, जिनमें घायलों में 86 बच्चे 39 महिलाएं शामिल हैं। इसराइल पर हुए हमलों में भी एक भारतीय महिला सहित 7 लोगों की मौत हुई है।